वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन देयर एंड यू कंप्लीटेड योर ऑल प्रीवियस वर्क। अब हम चलते हैं थर्ड टर्म के दूसरे चैप्टर की तरफ, यूनिट नंबर 6, एयर। वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को देख नहीं सकते, बट इट इज़ ऑल अराउंड अस, लेकिन ये हमारे इर्द गिर्द घूमती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। एयर इज़ अराउंड अस, हवा हमारे इर्द गिर्द घूमती है। वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। व्हेन इट मूव्स, जब ये चलती है। एयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, हवा बहुत सारी गैसों को मिलकर बनती है। व्हेन द एयर इज़ वार्म, जब गर्म हवा चलती है, वी फील हॉट, हमें गर्मी महसूस होती है। व्हेन द एयर इज़ कोल्ड, जब हवा ठंडी होती है, वी फील कोल्ड, तो हमें ठंड लगती है या ठंड महसूस होती है। ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द एयर मेक क्लाउड्स, पानी के कतरे हवा में मिलकर बादल बनाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे और जहाज़ हवा में उड़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए। वी फिल बलून्स एंड टायर्स विद एयर, हम गुब्बारे और टायर्स में हवा भरते हैं। ये देखें, इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये देखें, ये साइकिल के टायर में हवा भर रहे हैं, ये बलून्स में एंड ये कार के टायर्स में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। एयर हैव थिंग्स टू बर्न, हवा चीज़ों को जलने में मदद देती है। द कैंडल वेंट आउट एज देयर वॉज नो एयर अंडर द ग्लास, अब देखें इस पिक्चर को गौर से। यहाँ पर ये कैंडल जो दिख रही है, ये जल रही है, ठीक है। जब हम इसको ग्लास से कवर कर देते हैं तो या वहाँ इसको हवा नहीं मिल रही तो ये बुझ जाती है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, चलती हुई हवा को विंड कहते हैं। विंड हैव थिंग्स टू मूव, हवा चीज़ों को हिलने में मदद देती है। आ स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्म, तेज़ हवा तूफ़ान कहलाती है। स्टॉर्म मतलब तूफ़ान। देखें इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, ये इस हवा से ये दरख्त किस तरीके से उड़ रहे हैं। आ स्टॉर्म इन द सी, ये समंदर में तूफ़ान आया हुआ है, ये देखें। होमवर्क की तरफ अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द एयर मेड अप ऑफ, आंसर है एयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ आर क्लाउड फॉर्म्ड, आंसर है ड्रॉप ऑफ वाटर इन द एयर मेक क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच गैस डू वी ब्रीथ इन, आंसर है वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू वी फिल टायर्स एंड बलून्स विद, आंसर है वी फिल टायर्स एंड बलून्स विद एयर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू लिविंग थिंग नीड टू लिव, आंसर है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच गैस डू प्लांट नीड टू मेक देयर फूड, आंसर है प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव वर्क की तरफ। एक्टिविटी नंबर 1 है, राइट द नेम ऑफ थिंग्स डैट कैन फ्लाई इन द एयर। नंबर 1 है एरोप्लेन, नंबर 2 है हेलीकॉप्टर, नंबर 3 रॉकेट, नंबर 4 काइट्स, नंबर 5 पैराशूट, नंबर 6 बलून्स। सो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं डेफिनेशंस की तरफ। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी स्टॉर्म। अ स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड स्टॉर्म विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड विंड। अब आ जाते हैं शॉर्ट नोट की तरफ। एयर, नंबर 1 पॉइंट है एयर इज़ अराउंड अस, नंबर 2 है वी कैन नॉट सी एयर, नंबर 3 है एयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, नंबर 4 है वी कैन फील इट। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। फिल इन द ब्लैंक नंबर 1 है डैश इज़ ऑल अराउंड अस एयर, नंबर 2 है एयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी डैश गैसेस,
नंबर थ्री है ड्रॉप ऑफ वाटर इन द एयर मेक डैश क्लाउड्स। नंबर फोर है डैश नीड एयर टू लिव लिविंग थिंग्स। नंबर फाइव है डैश हेल्प थिंग्स टू बर्न एयर। नंबर सिक्स है आ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ डैश स्टॉर्म। अब हम चलते हैं वन वर्ड आंसर की तरफ। फर्स्ट है व्हाट इज़ द एयर मेड अप ऑफ, आंसर है गैसेस। नंबर टू वेयर डू बर्ड्स फ्लाई, आंसर इन द एयर। नंबर थ्री विच गैस डू वी ब्रीथ इन, आंसर ऑक्सीजन। नंबर फोर व्हाट हेल्प थिंग्स टू मूव, आंसर विंड। नंबर फाइव व्हाट हेल्प थिंग्स टू बर्न, आंसर एयर। नंबर सिक्स व्हेन द एयर इज़ वार्म व्हाट डू वी फील, आंसर हॉट। I hope you will do all the work. Take care. Thank you.